नमस्ते दोस्तों, माही विलेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को सभी को पता है ना, दीपावली आ रही है, तो सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। आप लोग से उम्मीद है और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के दीपक थोड़ा से खरीद के ना लोगों की हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो आज स्टार्ट करते हैं नए टिप्स और नए जुगाड़ जो आपके लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा काजल ख़त्म हो जाता है और हमें पार्टी वगैरह में जाना होता है, तो इस तरह आप एक दीपक जला लीजिए। आप चाहें तो एक घी से भी जला सकते हैं या फिर आप कड़ू तेल से। कड़ू तेल आप अगर घर का यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। फिर चम्मच को इस तरह करना है, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड करोगे ना तब आपको ना लगाने के जितना तो आराम से हो जाता है। बहुत ही इजी तरीका है। फिर आप इस तरह काजल लगा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम काजल को ऐसे स्टोर कैसे कर सके। तो इस तरह आप एक दीपक ले लीजिए और इस तरह ढक करके रख दीजिए, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा रख दीजिए। बहुत सारा काजल इकट्ठा हो जाएगा। और अब मैं उम्मीद करती हूँ ना ये टिप्स आपको बहुत पसंद आएगा, और मैं तो हमेशा यही काजल यूज़ करती हूँ, मैं बाहर का बिल्कुल नहीं लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है इसके बाद में मेहंदी हमारी ना, कभी कभी क्या होता है ना, इस कोन को आप कट करते हो ना, इससे मेहंदी निकलना चालू हो जाती है। तो इस तरह आप थोड़ा सा फोल्ड करके ना 1 सेकंड के लिए ऐसे पकड़ के ना ऐसे छोड़ सकते हो, फिर ये मेहंदी आपकी निकलेगी नहीं। और इसके बाद आता है कि कभी की जब हम मेहंदी लगाते हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं ना इस टाइम ये मेहंदी खाली है, बट इसको हम कैसे करें कि सारी मेहंदी एक तरफ हो जाए। तो आपको लेना है इस तरह एक चूड़ी और इसका साइड का कोना पकड़ना है और इस तरह करके ना एक साइड में कर देना। 1 सेकंड में जितनी मेहंदी है ना पूरी एक साथ में आ जाती है। और बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह आप मेहंदी यूज़ कर सकते हो। और बहुत अच्छा तरीका ये भी है। इसके बाद आता है ये टीका। जैसे आप जानते हो फेस्टिवल आ रहे हैं तो हम लोग सब तैयार होते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका, इस तरह का कागज आपको लेना है और ये आप टेप लीजिए, टेप कोई भी ले लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके पास टेप नहीं होता है, वैसे तो चिपकाने वाला होता है, अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह आप टेप आप लेके इसको 2 सेकंड के लिए ऐसे चिपका सकते हो। फिर क्या होता है ना, इसका जो चिपकने वाला होता है ना इस कागज़ में आराम से चिपक जाता है। और फिर इस कागज़ को आप बीच में ऐसे चिपका सकते हो और फिर आप जहाँ पे मतलब टीका लगाते हो ना माथे पे, फिर इस तरह आप चिपका सकते हो। और अब देख रहे हैं ना बिल्कुल हिलेगा नहीं, बहुत अच्छा जुगाड़ है ये, बहुत ही अच्छा है। जब आपको इमरजेंसी हो तो बिल्कुल यूज़ करें, बहुत ही अच्छा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दाल। अगर दाल हम धोते हैं ना तो ये खिलौना ना हमारे बहुत काम की चीज़ है। अगर हमारे पास छन्नी नहीं है तो बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके बाद में दाल को जैसे हम भिगो देते हैं ना, इसके भिगोने के बाद में क्या होता है ना, बहुत सारे कंकड़ या फिर जैसे इसका छिकली होता है ना हम हाथ से नहीं बिन पाते हैं, तो उसको करना क्या है आपको इस तरह चला देना है और जितना ये ऊपर का छिकला और इसमें आता है ना वो आराम से इसके मदद से ना बहुत आराम से निकल आएगा, देखिए। और इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, बहुत ही यूज़फुल है और त्यौहार आ रहा दीपावली का, तो आप सभी को ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सभी को ध्यान रखना चाहिए। ये मैं घी यूज़ कर रही हूँ जो हमने ख़रीदा है बाहर से, तो इसको एक साइड पर मैंने लगा के ऐसे ही छोड़ दिया है। और इसके बाद में करना क्या है, एक साइड में लगाना है आपको जो घर का घी होता है, मतलब आप जो घर पे बनाते हो, जिसके आप अगर गाय वगैरह है तो वो घर पे बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, उस साइड पे मैंने लगाया है एक तरफ वो भी घी। तो आपको मैं रिजल्ट ये दिखाने वाली हूँ कि कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना। आप देख रहे हैं ना बिल्कुल मैंने वीडियो स्किप नहीं किया है, बिल्कुल 1 सेकंड में पता चल जाता है कि ये घी कितना ख़राब आ जाता है कभी कभी और हमें नहीं खाना चाहिए। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है स्टेप, हमें रिंग पहनने के लिए कभी कभी क्या होता है ना थोड़ा सा टाइट होता है, अगर टाइट नहीं है तो आराम से तो चली जाती है, बट टाइट है तो आपको करना क्या है, इस तरह पोलिथीन आपको उंगली में पहनना है और गोल है पन्नी अगर आपके पास है ना, जैसे अगरबत्ती वगैरह यूज़ करते हैं उसकी पोलिथीन आप रख लो, तो उसके बाद फिर रिंग आराम से पहन सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसको निकाले कैसे, अब इस तरह फिर आप निकाल भी सकते हो, मतलब किसी भी उंगली में आप इसको बहुत आसानी से पहन सकते हो, बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं और बहुत अच्छा तरीका। मैं हमेशा ऐसे ही जुगाड़ बनाती रहती हूँ। इसके बाद आता है कभी कभी हमारी अगरबत्तियाँ भीग जाती हैं या पानी पड़ जाता है, तो आपको करना क्या है, इस तरह साइड में लेना है इस तरह दीपक, दीपक को आप जला लीजिए और थोड़ा सा ना चलाते हुए इस तरह, जैसे आप इस तरह पकड़ेंगे तो फिर उसके बाद में चलाते हुए इस तरह दीपक को आप करेंगे, अगरबत्तियाँ बहुत साइड से सही हो जाएंगे और फिर आप आराम से जला सकते। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपने किस सिटी से मेरा वीडियो वॉच किया सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।